नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का स्वागत है एजुकेशन इंडिया में। तो पीएम फ्री राशन योजना को लेकर आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ चुकी है और आप सभी को दोबारा से मुफ्त राशन का तोहफा पीएम मोदी ने दे दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च 2022 में एंड हो रही थी, लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने इस योजना को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है और अभी आप सभी को सितंबर 2022 तक इस योजना का फायदा मिलता रहेगा। ऐसे में महंगाई के इस दौर में आम जनता को बहुत ही बड़ी राहत पीएम मोदी ने दे दी और पीएम मोदी ने पूरे देश के लोगों को बहुत ही बड़ी सौगात प्रदान कर दिए। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को ये बताएंगे कि अभी इस योजना का फायदा किनको मिलेगा, कैसे मिलेगा और आप सभी को इस योजना के लिए क्या करना होगा। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को जो है पूरा का पूरा देखिए, लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान पर भी प्रेस करें, ताकि आपको आगे भी जो है प्रधानमंत्री फ्री राशन स्कीम की हर अपडेट सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सभी के चेहरे पर खुशी आने वाली खबर निकल के सामने आ चुकी है। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बता दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही बड़ी घोषणा की है और प्रधानमंत्री मोदी की केंद्र सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला जनता के हित में किया है, यानी कि पीएम मोदी ने जनता के हित में बड़ा कदम उठा लिया है, जिसके बाद यहाँ पर दोस्तों पूरे देश की जनता की बल्ले बल्ले हो चुकी और आम जनता जो कि इस महंगाई के दौर में महंगाई से त्रस्त है उनको बहुत ही बड़ी राहत मिल चुकी है, उनको बहुत ही बड़ी सौगात मिल चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रधानमंत्री फ्री राशन योजना यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो कि मार्च 2022 में खत्म होने जा रही थी और मार्च 2022 इस योजना का आखिरी महीना था, लेकिन दोस्तों मार्च 2022 खत्म हो उससे पहले पीएम मोदी ने इस योजना को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है आज। और पीएम मोदी ने कहा है कि हमारा यहां पर दोस्तों कर्तव्य है कि देश के हर व्यक्ति को राशन दिया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। और दोस्तों यहां पर इसी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने फिर से पूरे देश के लोगों का कल्याण करने का सोचा है और यहाँ पर दोस्तों कल्याणकारी सोच इस प्रकार रही है कि सितंबर 2022 तक आप सभी को फ्री में राशन दिया जाएगा पीएम मोदी की सरकार की ओर से, यानी कि केंद्र सरकार के थ्रू आप सभी को जो है सितंबर 2022 तक फ्री राशन का फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों खबर निकल के सामने आई है और इस खबर में लिखा हुआ है कि अब सितंबर तक 80 करोड़ लोगों को मिलेगा फ्री राशन, मोदी सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यानी कि दोस्तों पूरी तरह से मोदी सरकार आप सभी पर मेहरबान हो चुकी है और फिर से आप सभी के लिए अपने खजाने का पिटारा खोल दिया, यानी कि खजाने की चाबी एक बार फिर से आपके हाथों में सौंपिए और फिर से आप सभी को बहुत ही बड़ा गिफ्ट पीएम मोदी ने दे दिया है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया जा चुका है। केंद्र सरकार ने जो है शनिवार को इसका ऐलान किया है और इसके बाद पूरे देश के लोग खुशी से झूम उठे हैं, क्योंकि दोस्तों फ्री राशन योजना का ऐलान होना यहां पर दोस्तों पूरे देश के लोगों पर महंगाई का बोझ कम करेगा। वह यहां पर दोस्तों केंद्र सरकार ने शनिवार को इसका ऐलान किया है और अब इस योजना के तहत लाभार्थियों को सितंबर 2022 तक मुफ्त राशन का लाभ मिलता रहेगा, यानी कि फ्री राशन योजना के जो भी लाभार्थी है उन सभी को फायदा सितंबर 2022 तक मिलता रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों काफी अच्छी खबर है आप सभी के लिए, पर नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी साझा की है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि भारत वर्ष का सामर्थ्य देश के एक एक नागरिक की शक्ति में समाहित है और इस शक्ति को और मजबूती देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने और बढ़ाकर सितंबर 2022 तक जारी रखने का निर्णय ले लिया। यानी कि यहाँ पर दोस्तों जनता के हित में पीएम मोदी का बड़ा कदम सामने आ चुका और इसी वजह से यहाँ पर दोस्तों जनता के
चेहरों पर जो है खुशी के रंग देखने को मिले, यानी कि यहाँ पर दोस्तों पूरी तरह से जनता इस समय खुश से नहीं समा रही है। वह यहाँ पर दोस्तों देश के 80 करोड़ से अधिक लोग हैं जो पहले की तरह इसका लाभ उठा सकेंगे, ये यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार हो रहा है, यानी कि PMGKAY को अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने स्वीकृति दी है। वहीं यहां पर दोस्तों इस योजना के तहत 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति दिया जाएगा, वो भी प्रति माह निःशुल्क। इसी के साथ ही 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को जो है मिलेगा इस योजना का फायदा लाभ, और सितंबर 2022 तक योजना का विस्तार हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे में पूरे देश के लोगों की बल्ले बल्ले हो चुकी है। और वहीं दोस्तों मार्च 2020 में इस योजना को स्टार्ट किया गया था, और दोस्तों 2020 में लॉकडाउन लागू होने के बाद इस योजना को शुरू करने का ऐलान पीएम मोदी ने किया था। और इस योजना का मकसद कोरोना महामारी की वजह से हुए तनाव को कम करना था। शुरुआत में जो है इस स्कीम को अप्रैल जून 2022 की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन फिर इसे 30 नवंबर 2021 तक बढ़ाया गया था, और इसके बाद दोस्तों मार्च 2022 तक इस योजना को बढ़ाया गया था, और अब यहां पर दोस्तों सितंबर 2022 तक ये योजना चालू रहेगी। इसको लेकर पीएम मोदी ने ऐलान किया है। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों सभी लोगों का भला होगा जो कि इस देश में रहते हैं और जो कि यहाँ पर गरीब तबके में आते हैं। वहीं बात करते हैं कि इस योजना के तहत आने वाले टाइम में किन किन लोगों को फायदा दिया जाएगा, तो भारत के सभी लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों इस योजना की जो महत्वपूर्ण कंडीशन है, जो महत्वपूर्ण शर्त है, वह यह है कि आप सभी के पास राशन कार्ड होना चाहिए, और आप सभी को जो है राशन कार्ड के थ्रू ही यहाँ पर फ्री में राशन मिल पाएगा। APL और BPL दोनों राशन कार्ड वालों को इस योजना के तहत फायदा मिल जाएगा, यानी कि दोस्तों आप सभी के पास यदि राशन कार्ड है तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल हो पाएंगे और यहाँ पर इस योजना का फायदा उठा पाएंगे। 80 करोड़ पूरे देश के लोग होंगे जिनको इस योजना के तहत फ्री राशन का फायदा मिलेगा, यानी कि दोस्तों 80 करोड़ आम जनता को पीएम मोदी की सरकार फ्री राशन देगी। तो यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर पीएम मोदी भलाई के रास्ते पर चल पड़ी, और यहाँ पर दोस्तों सितंबर 2022 तक इस योजना को बढ़ाकर पूरे देश के लोगों का भला करने जा रही है। आगे बात करते हैं कि आप सभी को इस योजना के तहत कितना मिलेगा फ्री में राशन। तो प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया जाएगा, जिसमें आप सभी को चावल या फिर गेहूं दिया जाएगा। आप सभी को बता दें कि प्रति व्यक्ति राज्य सरकार की ओर से 5 किलो राशन के अलावा यहां पर दोस्तों 5 किलो राशन पीएम मोदी की सरकार आप सभी को देगी। तो ऐसे में कुल मिलाकर दोस्तों प्रति व्यक्ति को 10 किलो प्रति माह राशन दिया जाएगा, यानी कि आप सभी को बड़ा फायदा हो जाएगा। और ऐसे में मान लीजिए यदि आपके परिवार में 4 आते हैं यहाँ पर व्यक्ति या फिर सदस्य हैं, तो आप सभी को कुल मिलाकर 40 किलो हर माह राशन दिया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। तो यहाँ पर दोस्तों मोदी सरकार के कोटे का 5 किलो अनाज आपको फ्री मिलेगा, लेकिन राज्य सरकार के कोटे का 5 किलो अनाज आपको फ्री भी मिल सकता है और नहीं भी, क्योंकि दोस्तों आपकी राज्य सरकार पर ये बात तय करती है, निर्भर करती है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे यूपी में पूरा 10 किलो राशन प्रति व्यक्ति को फ्री में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों योगी सरकार ने फ्री राशन की घोषणा करके रखी है। वहीं राजस्थान, बिहार, झारखंड इत्यादि में आपको 5 किलो राशन फ्री में मिलेगा, और राज्य सरकार के कोटे के 5 किलो राशन के आपको 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से राशन के पैसे देने होंगे। और यहां पर दोस्तों आपको पैसे चुकाकर जो है राज्य सरकार का राशन तो मिलेगा, लेकिन वहां पर दोस्तों पीएम मोदी की ओर से जो आप सभी को 5 किलो राशन दिया जाएगा वह बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। आगे बात करते हैं कि आप सभी को कब तक मिलेगा फ्री में राशन। तो मार्च के बाद अगले 6 महीने तक आप सभी को फ्री में राशन मिलेगा, यानी कि सितंबर माह तक आप सभी को फ्री राशन मिलेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर माह में आप सभी को फ्री में राशन मिलेगा। ऐसे में कुल मिलाकर आप सभी को प्रति व्यक्ति के हिसाब से इन 6 महीनों में 30 यहाँ पर दोस्तों किलो राशन मिल जाएगा। आगे चर्चा करते हैं कि आप सभी को कैसे मिलेगा फ्री राशन। तो यहाँ पर दोस्तों ये बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को किस प्रकार से फ्री राशन दिया जाएगा वह इसी बात पर निर्भर करता है।
तो हर बार की तरह सरकारी राशन की उचित मूल्य की दुकान पर जाकर आप फ्री राशन का फायदा उठा पाएंगे और फ्री राशन ले पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से आप सभी को मोटा मोटी में कहे तो फ्री में राशन मिल जाएगा। वह यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर अंदरूनी जानकारी की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों फ्री राशन आपको हर महीने में राज्य सरकार के राशन के साथ ही मिल सकता है, यानी कि एक ही बार में आप सभी को 10 किलो अनाज मिल सकता है, जिसमें 5 किलो अनाज जो है राज्य सरकार देगी तो 5 किलो अनाज केंद्र सरकार देगी। यहाँ पर दोस्तों अन्यथा आपको पहले राज्य सरकार का राशन 1 से लेकर 15 तारीख तक मिलेगा और उसके बाद केंद्र सरकार का राशन 16 से लेकर 30 तारीख तक मिलेगा, यानी कि यहाँ पर दोस्तों एक अवधि तय कर दी जाएगी और उसमें आप सभी को केंद्र सरकार का राशन मिलेगा और एक अवधि में जो है राज्य सरकार का राशन मिलेगा। वह यहाँ पर दोस्तों फ्री राशन जो है अप्रैल महीने का लेने में आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने मार्च महीने के आखिर में फ्री राशन बढ़ाने की घोषणा की है और इसी वजह से केंद्र सरकार के कोटे का राशन डीलरों के पास आने में समय लग सकता है और आपको भी यहाँ पर दोस्तों इसी वजह से लेट राशन मिल सकता है अप्रैल महीने का। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पूरी जानकारी थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में, यानी कि पीएम फ्री राशन स्कीम के बारे में, जहां पर दोस्तों सितंबर 2022 तक पीएम मोदी की सरकार आप सभी को फ्री में राशन देगी। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही साथ इस वीडियो को जो है अपने सभी भाइयों बहनों मित्रों के पास शेयर करें। तो आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।